हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम कर चुके हैं, ठीक है, एनर्जी इंटरप्रेशन, पोस्टुलेट्स एंड इंट्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस किस डायरेक्शन में कितने टाइप के मोशन कर सकते हैं फ्रीली। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि गैस का एक मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शंस में या कितने कोऑर्डिनेट्स में फ्रीली मूव कर सकता है, यानी कि इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मोशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल। या फिर अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में उसकी पोजीशन बताना हो, उसकी ओरिएंटेशन बताना हो, तो कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए हमारे पास गैस का कोई मॉलिक्यूल है, ये किधर जा सकता है, किधर मूवमेंट कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकता है इधर या इधर, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर सकता है फ्रीली। एक अकेला मॉलिक्यूल की बात करें तो इधर उधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, एक अकेला मॉलिक्यूल या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में कर सकता है, ऐसे ऐसे, यानी कि एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग वो मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं भी है, मान लीजिए हमारा जो मॉलिक्यूल है इधर आ जाए, तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कौन करेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मॉलिक्यूल जो गैस का है वो किधर किधर मूव कर सकता है, कितने टाइप के मोशन कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि वो फ्रीली किधर किधर मूव कर सकता है, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम दूसरे तरीके से क्या बता सकते हैं कि क्या है ये इसका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन, कि कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेक करने के लिए, यही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको डिफाइन करेंगे, इसकी दो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नंबर वन, द नंबर ऑफ मोशंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कितने टाइप के मोशन कर सकता है बाय द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस फ्रीली। एक गैस का मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन कर सकता है फ्रीली, वो ही क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं भाई, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे या ट्रांजिशन को स्पेसिफाई करेंगे, कितने कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन बताने के लिए, उसकी ट्रांजिशन बताने के लिए। तो सेकंड जो डेफिनेशन यहाँ से आ गया, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन एंड ट्रांजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ट्रांजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दो चीज़ों के बारे में बताता है, या तो नंबर ऑफ मोशंस के बारे में कहें या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि गैस के मॉलिक्यूल की पोजीशन और ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी देखा था, एक मॉलिक्यूल है वो
एक्स के अलोंग मूव कर सकता है, वाई के अलोंग मूव कर सकता है, जेड के अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, उसके मोशन भी थ्री टाइप के हो सकते हैं, या तो वो लीनियर मोशन होगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है भाई, एक यानी कि सारा का सारा इधर से इधर आ जाए, या इधर से इधर आ जाए, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, रोटेटरी मोशन, वो एक जगह पर ऐसे ही मूव करता रहे, या फिर क्या हो सकता है भाई, रोटेटरी मोशन भी हो सकता है अपने एक्सिस पे इधर इधर घूमे, या फिर क्या हो सकता है उसमें, और वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकता है एक पॉइंट पे इधर इधर इधर। तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है, या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम मोशन की टाइप भी बता सकते हैं, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। तो एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन बताने के लिए एक्स वाई और जेड, ये एक मॉलिक्यूल की तीनों कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3n-r, यानी कि 3 मतलब क्या है, 3 तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर एक, क्योंकि तीन ही भाई कोऑर्डिनेट होते हैं इसलिए 3 यूज किया जाता है, और n जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ले रहे हैं, मोनोटोमिक गैस ले ली हमने कोई भी, और r क्या है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं, या फिर कह सकते हो आप रेस्ट्रिक्शंस हैं, अभी आ जाएगा आपको समझ में ये r क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई डाईएटोमिक गैस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या तो भाई एक्स एक्सिस में जाएगा, ये भी एक्स एक्सिस में, ठीक है, या फिर वाई में मूव कर सकते हैं दोनों, या फिर जेड एक्सिस, ठीक है, इधर यानी कि जो हम देखें तो एक्स में देखेंगे तो ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर, क्या इधर फ्रीली मूव कर सकते हैं दोनों, केवल एक ही कर सकता है, दूसरे में क्या हो गया, उस बाउंडेशन आ गई यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन हो गई। तो यहाँ पर देखिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे हम भाई, एक्स में दोनों नहीं जा सकते, वाई में दो जाएंगे, जेड में दो जा सकते हैं, एक्स में केवल एक ही जा सकता है, इधर जाएंगे तो ये वाला, इधर जाएंगे तो ये वाला, एक ही है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना हो गया, इधर दो 4, और एक ही इधर है, या इधर क्या होगा 1, तो इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या आ गया, 5। यहाँ पर देखिए एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स हो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 मोनोटोमिक के लिए। अगर हमारे पास ट्राई अटोमिक हो जाए, ठीक है, ट्राई अटोमिक गैस हो जाए, ट्राई अटोमिक क्या हो सकती है भैया, या तो लीनियर हो जाए, अब देखिए लीनियर में ये इधर आएगा, ये इधर, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर केवल एक ही फ्री हो सकता है, इधर एक इधर फ्री हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, वाई में, या फिर जेड में शो कर सकते हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं उसके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब लीनियर है, ठीक है, तो कितने हैं भाई, वाई में सभी हैं, ठीक है, जेड में भी सभी हैं, 6 हो गए, लेकिन एक्स में क्या है, इधर आएंगे तो बीच वाला आ जाएगा बीच में, ठीक है, इधर जाएंगे तो बीच वाला, यानी कि 2 फ्रीली मूव कर सकते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 इधर और 3 इधर और इधर, कितने हैं, केवल अगर देखें तो 1 के 2 आए, इधर 1 आ गया, ठीक है, यानी कि केवल एक ही मूव करेगा, इधर जाएंगे तो भी एक ही मूव करेगा भाई, ये 3 है तो क्या होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर, तो ये 2 तो टकरा जाएंगे इसे, तो एक ही इधर कोऑर्डिनेट काफ़ी है, इधर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये 2 इससे टकराएंगे, एक ही जाएगा इधर मूव करेगा, तो इधर से हम देखेंगे 3 इधर और 1 इधर, तो इधर से कितना हो गया, 7, ठीक है। या फिर हमारा क्या हो सकता है, ट्राई अटोमिक में ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स में शो कर सकते हैं तीनों के लिए, ठीक है, वाई में शो कर सकते हैं तीनों के लिए, जेड में शो करेंगे,
तो इधर से हम देखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऐसे शो कर सकते हैं इसको भाई, एक इधर एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर बाउंडेशन देखिए, रेस्ट्रिक्शंस देखिए, रेस्ट्रिक्शन कितने बार हो सकती है भाई, या तो इधर आए एक बार, या इधर आए दो बार, या इधर, यानी कि 3 times रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। तो जब हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, तो हम करेंगे इधर से, तो 3 इधर, एक्स में 3 हो सकती है, वाई में 3, जेड में 3, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों में ही एक एक रेस्ट्रिक्शन भी है, तो 3 3 9 हो गई थी उधर, ठीक है, और 3 क्या होगी, बाउंडेशन होगी, तो 9 में से बाउंडेशन 3 माइनस कर देंगे तो 6 हो गया हमारे पास। तो हमने देखा मोनो अटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और डाई अटोमिक के लिए 5, जबकि ट्राई अटोमिक लीनियर के लिए 7 और ट्राई अटोमिक नॉन लीनियर के लिए 6, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे निकाल लेंगे, चलो फॉर्मूला से निकालते हैं, 4 मोनो अटोमिक ठीक है गैस मॉलिक्यूल, मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे। मोनोटोमिक में हम पढ़ ही चुके हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडियन और क्रिप्टोन, ये हमारे किसके लिए जाएंगे, मोनोटोमिक के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोटोमिक के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके रास्ते में कोई नहीं आने वाला, यानी कि उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3n माइनस, r की जगह 0, तो f कितना आ गया, 3, 4 मोनोटोमिक गैस, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और r क्या है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है, यानी कि बाउंडेशन कह सकते हैं हम यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं कि कितनी रेस्ट्रिक्शंस आएंगी। डायटोमिक गैस के लिए देखिए, डायटोमिक गैस, गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जैसे S2, Cl2, N2, O2, बहुत सारे लिखवा रखे आपको पहले भी, पिछले चैप्टर में हमने किया था। तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकते हैं भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या, F=3n-r, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, डायटोमिक में हमारे 2 होते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस देखिए इधर कितनी होती है, रेस्ट्रिक्शंस इधर ही होती हैं, ठीक है भाई, इधर जाएंगे तो एक बार, इधर जाएंगे तो भी एक ही बार, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में है, एक ही रेस्ट्रिक्शन है एक्स में, तो माइनस हो गया 1, तो हमारा क्या आ गया, 5। फॉर ट्राईएटॉमिक गैस, ट्राई एटोमिक में हमने देखा 2 केसेस हो सकते हैं, या तो लीनियर हो सकता है लीनियर, या फिर नॉन लीनियर। ट्राई एटोमिक लीनियर के लिए देखेंगे, ट्राई एटोमिक लीनियर के लिए एफ निकालेंगे, 3n-r, ठीक है, इसके लिए निकालेंगे 3 है भाई, ट्राई एटोमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है, ठीक है, लीनियर में कितनी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है भाई, इधर आएंगे तो एक बार, इधर आएंगे तो एक बार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, तो हमारा इधर से क्या होगा, 3 3 9 में से तो जाएंगे 7। ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर के लिए देखिए, ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर, 3 × 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस देखिए भाई, इधर जाएंगे तो एक बार, इधर जाएंगे तो एक बार, इधर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी इधर रेस्ट्रिक्शंस हमारी, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस कितनी आ रही, 3, तो इधर 3 3 9 में से 3 गया 6, तो क्या यही आए थे हमारे 3 6 7, ऐसे ही तो आए थे, ठीक है, 3 6 7 और 5 आया था डायटोमिक के लिए। तो ये हमारे क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऐसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, F=3n-r, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड r रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हो आप। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन एंड ट्रांजिशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी पोजीशन और ट्रांजिशन जो बता सकते हैं, कितने बता सकते हैं मैक्सिमम, 3 1 के लिए,
ठीक है, एक के लिए थ्री है, लेकिन कभी क्या होता है उनमें बाउंडेशन आ जाती है, एक तरफ जाते हैं, तो एक ही कोऑर्डिनेट बता सकता है भाई इधर, तो जब दो मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं तो क्या एक कोऑर्डिनेट काफ़ी नहीं है उसके लिए, एक कोऑर्डिनेट काफ़ी है, तो इधर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी एक डायरेक्शन में, इधर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो फिर रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रेस्ट्रिक्शन है, जब एक लीनियर हो जाएंगे ऐसे तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए।